परसेप्शन ऑफ डिप्रेशन, बट सवाल यह है बच्चों कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक सोच है या डिप्रेशन एक बीमारी है? क्या है डिप्रेशन? इट्स अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है। यह ऐसा नहीं कि किसी दिमाग में सिर्फ पैदा हो गया है, यह एक डिसऑर्डर है, यह एक बीमारी है। इट्स अ सीरियस मेडिकल इलनेस, और जब यही सीरियसनेस बहुत बढ़ जाती है तो हर 42 मिनट में आज भारत का एक बच्चा अपनी जान खत्म कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है जीवन का यहीं पे अंत है, क्योंकि उसे लगता है ये जो एग्जाम IIT का आने वाला है, जो 24 तारीख की डेट अनाउंस हुई है, यही जिंदगी का अंत है मेरा। इस बार JEE मेंस में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मां बाप को क्या मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे घर वालों को फेस करेंगे, और इस डर में वो अपनी जीवन खत्म कर लेता है। पेरेंट्स, दिस शुड रीच यू, दिस शुड रीच यू। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट, लाइफ ऑफ योर वार्ड, लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे की जिंदगी ज्यादा क्या प्यारा है, कितना प्रेशर दे रहे हो यार उनको आप, क्या मिल जाएगा इस प्रेशर से आपको। हर सेशन के अंदर जब भी मैंने पढ़ाया यूट्यूब के ऊपर पिछले 4 साल 3 साल जब तक पढ़ाया बैचेस के अंदर, हमेशा यही बोला कि ये एक एग्जाम की औकात नहीं है कि ये तुमको जज करके चला जाए। कोई भी बड़ी चीज होने में समय लगता है, टाइम लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप सोचोगे ये बातें करने से एक डिप्रेस बच्चा तुरंत मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होगा साहब, वो मेडिकल इलनेस में है। मैं बता रहा हूं तुम्हारे ग्रुप में 6 बच्चा है 7 बच्चा है 8 बच्चा है, तुम्हारे ग्रुप में एक डिप्रेस दोस्त है तुम्हारा, कॉल करके पूछ लो उसको अगले 42 मिनट के बाद, क्या पता उसका फोन ना उठे। दिस इज सीरियस, इसको सीरियसली लेना होगा, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी को, सारी एजुकेशन कम्युनिटी को, सारी टीचर कम्युनिटी को, भारत की सरकार को, एजुकेशन के अराउंड जितने भी लोग हैं सबको इसको सीरियस लेना होगा। मजाक चल रहा है यार, इतने सारे बच्चों के लिए इतनी कम सीट होती है, वो उसके लिए कॉम्पीट करते हैं, फिर सीट नहीं मिलती, डिप्रेस हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसकी IIT JEE मेंस सुना है, उसकी JEE मेंस के अंदर 8 लाख रैंक थी। कितनी? 8 लाख रैंक, तब AI EEE होता था। JEE मेंस समझ लो तुम इसको JEE मेंस समझ लो, इसको JEE मेंस समझ लो। कितनी रैंक थी? 8 लाख रैंक। तुम्हारे हिसाब से कैसे बच्चा है? बहुत खराब। ये बंदा आज एक कंपनी